पाली पुलिस अधीक्षक गगनदीप सिंगला ने प्रेस वार्ता करते हुए मीडिया को गुड़ा इंदला थाना व साइबर सेल की संयुक्त कार्रवाई में थाना गुड़ा इंदला में रामपुर की ढाणी के पास बदाराम मीणा की अज्ञात व्यक्तियों द्वारा की गई हत्या की वारदात का खुलासा किया। आरोपियों के द्वारा मोटरसाइकिल लूटने के उद्देश्य से झांसे में लेकर शराब पिलाकर निर्मम हत्या कर कट्या को अंजाम दिया। सिंगला ने विस्तार से बताते हुए कहा कि 29 जून को सरहद कीरवा रामपुर की ढाणी के पास नेशनल हाईवे के करीब 200 मीटर अंदर कच्चे मार्ग पर झाड़ियों के पास एक अज्ञात व्यक्ति का शव मिला था, जो कि सड़गल कर विकृत हो जाने से पहचानने योग्य नहीं था। सूचना पर थानाधिकारी पुलिस थाना गुड़ाइंदला रविंद्रपाल सिंह मंगलेश चुंडावत, वृत्ताधिकारी व्रतपाली ग्रामीण व मुगल लाल मीना, अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक पाली द्वारा घटनास्थल का नाना करते हुए टीम द्वारा कार्रवाई करते हुए दो आरोपियों को गिरफ्तार किया। मिलने के बाद क्योंकि उसकी शिनाख्त नहीं थी और बॉडी 3-4 दिन पुरानी प्रतीत होती थी, जिसके कारण वो उसकी शिनाख्त नहीं हो पा रही थी, उसमें हमने मेहनत करके जो उस पे कुछ बाजू पे खुदा हुआ था उसके बेसिस पे हमने उसकी पहचान की। तो मृतक की जो पहचान है वो बदाराम मीना के नाम से, जो चानोद का रहने वाला था, उससे आइडेंटिफाई हुआ। तो उसके बाद उसका मर्डर किसने किया और किस मोटिव से किया, उसके बेसिस पे हमने उसके अनुसंधान हम पिछले 3 महीने से लगातार कर रहे थे, जिसमें SHO गुड़ा इंदला रविंदर और हमारी साइबर की पूरी टीम, जिसमें गौतम और विशेषकर एक योगेश्वर कांस्टेबल है हमारा साइबर में, जिसका बहुत महत्वपूर्ण रोल रहा। इसमें किसी प्रकार का कोई प्रारंभिक क्लू नहीं था, हमने बहुत ही सूक्ष्म तरीके से हर एंगल से हमने इसका अनुसंधान किया। उसका नतीजा ये निकला, हमने 2 लोगों को दस्तयाब किया इस वारदात में, जो कि एक सिनिद्री का है और एक साइला जालौर का है। तो इनके जब इनसे पूछताछ की तो मोटिव ये सामने आया भी, ये दोनों मजदूरी करते हैं, एक तो चेन्नई में मजदूरी करता है, एक अहमदाबाद में मजदूरी करता है, और ये आपस में मित्र हैं। पूरब में ये साउथ में कई नकबजनी की वारदातों को भी अंजाम दे चुके हैं, जैसे कोयम्बटूर में दे चुके हैं, बेलगांव कर्नाटका में भी दे चुके हैं, लूट की वारदात में भी ये शामिल रहे हैं दोनों। तो ये यहाँ अपने जिले पाली में आते हैं, पाली जिले में ये केनपुरा उतरते हैं, केनपुरा पे इनकी जो मृतक है उससे जान पहचान होती है, ये वहाँ पे मिलके दारू पीते हैं। दारू पीने के बाद ये बस पकड़ने की फिराक में होते हैं दोनों लोग, तो इनको कोई बस मिलती नहीं, तो मृतक को ये लुभा के ये कहते हैं भी हमें पाली छोड़ दें, और उसको 500 रुपये का झांसा दे के भी हम 500 रुपये दे देंगे, आप मुझे मोटरसाइकिल पे छोड़ दीजिए। इसको साथ में ले जाते हैं, वहाँ पे कीरवा के पास ये दोबारा से दारू पीते हैं। उस दारू पीने के दौरान इनके मन में ये लालच आता है भी इसकी बाइक हम लूट के ले जाएं। उसी दौरान ये हाथापाई करके उसका मर्डर कर देते हैं और वहीं पर बॉडी छोड़ देते हैं और मोटरसाइकिल ले जाते हैं वहाँ से। तो ये मर्डर फॉर गेन का एक प्योर मामला है, जिसमें इन्होंने मोटरसाइकिल लूटने की नीयत से बदाराम मीना, जो कि इनका वैसे अननोन था पर उसी दिन इसका परिचय हुआ था, उसका ये मर्डर कर देते हैं। इन दोनों को हमने बापर्दा गिरफ्तार किया है। इसमें अभी आगे अनुसंधान में जो भी एविडेंस के तौर पे जो भी चीज़ें हैं उसका हम अनुसंधान कर रहे हैं। इसमें मुख्यतः जैसे मैंने पूर्व में बताया, रविंदर पाल सिंह जो SHO गुड़ा इंदला है, हमारे साइबर पूरी टीम, गौतम आचार्य और विशेषकर ये कांस्टेबल जो योगेश्वर है, इनका बहुत महत्वपूर्ण योगदान रहा। पिछले 3 महीने से लाखों CCTV फुटेज कम से कम इसमें देखी गई हैं और टेक्निकल तौर पे बहुत बारीकी से इसका सर्वेलेंस किया है, तब जाके ये दोनों पकड़ में आए। मर्डर के बाद ये दोनों ब्यावर भाग जाते हैं, ब्यावर से फिर ये अपने गांव चले जाते हैं अलग अलग मोड से, ताकि किसी को कोई शक ना हो। तो इसका आज हमने खुलासा किया है और इन दोनों को गिरफ्तार किया है।